त्रिकोणमितीय फलन के कुछ फार्मूलों को देखेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय में तो पहला फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को ऐड करने पर वैल्यू होती है पाई बाय टू। सिंपल त्रिकोणमितीय फंक्शन में, साधारण त्रिकोणमितीय फलन में जितने भी अनुपात आपस में 90 पर बदलते हैं अर्थात पाई बाय टू पर चेंज होते हैं, उनको आपस में ऐड करने पर, जब भी हम उनके इनवर्स को आपस में ऐड करते हैं तो ऐड करने पर जो वैल्यू होती है वो पाई बाय टू के इक्वल होती है। जैसे साइन और कॉस आपस में 90 पर चेंज होते हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा चेंज हो जाता है कॉस थीटा में और कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में 90 पर पाई बाय टू पर। ऐसे ही टैन थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में और कॉट थीटा चेंज होता है टैन थीटा में। इसी प्रकार सेक थीटा चेंज हो जाता है कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा चेंज हो जाता है सेक थीटा में। तो जो आपस में परिवर्तन हो रहे हैं इनके इनवर्स का सम, जब भी हम इनके इनवर्स को आपस में जोड़ेंगे वो वैल्यू पाई बाय टू के इक्वल होती है। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू। इसी का सेकंड फॉर्म टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। एंड थर्ड फॉर्म होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। साइन कॉस ऐड करने में पाई बाय टू, टैन कॉट भी ऐड करने पर पाई बाय टू, सब इनवर्स की बात हो रही है और सेक कॉसेक इनवर्स को भी आपस में ऐड करने पर पाई बाय टू होता है। ये तो तरीका हो गया कि जितने आपस में 90 पर बदलते हैं उनके इनवर्स का सम करने पर 90 के इक्वल वैल्यू आती है। अब अगर हम इसमें इसको प्रूफ करें एज ए क्वेश्चन, सपोज करिए प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आ गया प्रूफ दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो प्रूफ करते समय हम लोग पहले लेट करेंगे, सपोज करेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। बिकॉज साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, इसको लेट कर लिया जाए, मान लिया जाए, ये हम लोग मान लिए, माना साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब एक्स की वैल्यू अगर डिफाइन किया जाए तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्म को हमें बदल के कॉस मिलाना है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और यही वैल्यू है एक्स की। जैसे प्लस यहाँ से हम लोग फिर से इसे इनवर्स में चेंज करेंगे और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा। और अब ये थीटा इस साइड आके ऐड किया जाएगा तो वैल्यू बनेगी कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। और थीटा सपोज किया गया था साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट अप करेंगे और थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90। और 90 को रेडियन में चेंज कर दें तो वैल्यू हो जाए पाई बाय टू।
रेडियन चेंज करना सबको आता ही है, जब भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और पाई बाय 180 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आगे वैल्यू पाई बाय 2। इस कंडीशन में साइन इनवर्स एक्स, इसी लाइन को मैं फिर से लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हो गई पाई बाय 2। ये एज ए फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, और कभी अगर क्वेश्चन आ गया इस तरह का कि प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो हम लोग ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 है, ऐसे ही हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी पाई बाय 2 के इक्वल दिखा सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, जैसे यहाँ साइन इनवर्स एक्स को थीटा सपोज किए थे, अगर क्वेश्चन टेन इनवर्स एक्स के लिए होगा तो टेन इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा सपोज करेंगे, और बिल्कुल सिमिलर काम करते हुए यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 के इक्वल आ जाएगी। अब इसका यूज अपने यहाँ है क्वेश्चंस में किया जाएगा, बट जो एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज है, 2.1 प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली में जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग फार्मूला देख लें, उसे हम लोग फार्मूला नंबर 2 बोलेंगे, और फार्मूला होगा साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। याद रखना है जब भी किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रतिलोम और अनुपात दोनों एक साथ आता है तो ये आपस में कैलकुलेट होके केवल एंगल के इक्वल हो जाता है, बट इस कंडीशन में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एक्स अर्थात कोण साइन इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है जहां माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू पाई बाय 2। ये बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बात का है कि आप ध्यान रखें कि एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में होनी चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में नहीं है तो सबसे पहले हम लोग सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, जो आप हाई स्कूल में देखे होंगे, उसके बेस पर एंगल को अपने रेंज में ला देते हैं। जब कोण दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात के या इनवर्स के रेंज में आ जाता है तभी यह फार्मूला एप्लीकेबल होता है। इसलिए यहाँ कंडीशन लिखी हुई है कि x माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए। ऐसे ही जो इसके अन्य दो फॉर्म या हम कह सकते हैं 6 अनुपात, जितने अनुपात आप जानते हैं त्रिकोणमिति में उन 6 अनुपात के लिए फार्मूला एप्लीकेबल है। जैसे cos के लिए cos इनवर्स cos x is also equal to x, but cos inverse का जो range है उसे आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे कह सकते हैं where जहाँ 0 is less than or equal to x is less than or equal to pi, x की जो value है यह 0 से pi के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि कॉस का जो रेंज होता है, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वह 0 से पाई होता है। इसी के बेस पर आप टेन को भी बोल सकते हैं,
tan inverse tan x is also equal to x, जहां minus pi by 2 less or equal x less or equal pi by 2, ये रेंज है tan inverse x। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इन फार्मूलों का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब x अर्थात एंगल अपने रेंज में हो। जिस भी इनवर्स को आप लेंगे उसके रेंज में उसको रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पे हम लोग अपने यहाँ एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट इसके पहले ये फार्मूला कैसे आता है उस पर विचार कर लिया जाए। यदि इस फार्मूले को आपको डिराइव करना है कैसे आता है ये, तो इसमें आप साइन एक्स या साइन इनवर्स एक्स किसी को भी हम किसी अन्य फॉर्म में सपोज करके चलते हैं। जैसे सपोज करिए हम साइन इनवर्स साइन एक्स को प्रूव करने चल रहे हैं कि एक्स कैसे हुआ। इस कंडीशन में सबसे पहले हम साइन एक्स की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं, तो लिख लिया जाए माना साइन एक्स इज इक्वल टू वाई। साइन एक्स को हम वाई सपोज कर लिए। अब जब साइन एक्स की वैल्यू वाई है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स वाई, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। x की वैल्यू साइन इनवर्स वाई हो गई। अब साइन इनवर्स वाई को हम x के इक्वल लेते हैं, इसको फिर लेफ्ट साइड ले लेते हैं, सेम लाइन फिर से लिख रहे हैं हम, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू x, सेम ही लाइन है। तो इसके बाद y की वैल्यू जो सपोज किए थे वो ले लिए गए, ये हो गया साइन इनवर्स और y की वैल्यू था साइन x, तो साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, ये फार्मूला है। बट इनवर्स के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम साइन को इसके रेंज में नहीं लेंगे तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि साइन का रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही क्यों होता है, इसकी चर्चा हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके थे। और अगर हम इसके रेंज के अंतर्गत इसको नहीं रखेंगे तो ये इनवर्स फॉर्म ही नहीं होगा, और जब इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा तो उससे रिलेटेड कोई भी फार्मूला पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इस फार्मूले के लिए इसको रेंज में रखना बहुत जरूरी है। जैसे ये फार्मूला निकल सामने आया है, ऐसे ही हम कॉस के लिए भी निकाल सकते हैं। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज आल्सो इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई। जब एक्स जीरो से पाई के बीच में बिलोंग करेगा तो हम कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स भी एक्स के ही इक्वल होगा। ये इनवर्स चाहे पहले हो और चाहे बाद में, अर्थात यदि हम ऐसे लिखते हैं कोई फार्मूला साइन साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स अब इसके एंगल के फॉर्म में है और इस कंडीशन पे भी ये एक्स होता है, बट अब एक्स यहाँ वैल्यू है और जब वैल्यू होगी तो एक्स की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाइन करेगी, माइनस वन से प्लस वन, यानी यहाँ पर जो कंडीशन है वो हो जाएगा माइनस वन लेस आर इक्वल एक्स लेस आर इक्वल वन। मीन्स साइन इनवर्स के साथ अगर एक्स लगा हुआ है तो एक्स मान होता है और साइन का मान माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है। इसलिए फार्मूला तो साइन साइन पर
x ही हुआ, बट x का नेचर बदल रहा है, x यहाँ वैल्यू है, जबकि यहाँ x एक एंगल है, और जब एंगल के फॉर्म में होगा तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगा, और जब x वैल्यू होगा तो वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में होगा। इसके बाद साइन वर्स के लिए ऐसे फॉर्मूला लिखा गया है, ऐसे ही कॉस टेन से कॉस ए कॉट, इन सब के लिए फार्मूला हम लिख सकते हैं। जैसे दिखा दें आपको इसी का फर्स्ट फॉर्म सपोज किया जाए, इसका सेकंड फॉर्म कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, वेयर जीरो इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू पाई, मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो जीरो तथा पाई के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि cos का जो रेंज होता है वो जीरो से पाई के बीच में होता है। अब ऐसे ही tan के लिए देता हूं, tan इनवर्स tan x इज आल्सो इक्वल टू x, यहां भी tan x का जो रेंज होता है वह माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच होता है, इसलिए इसका रेंज हो जाएगा माइनस पाई बाई टू लेस आर इक्वल एक्स लेस आर इक्वल पाई बाई टू, ये वैल्यू हो गई। तो साइन कॉस टेन, ऐसे ही सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स और कॉट, इन सब के होता है, कॉट का रेंज भी जीरो से पाई होता है, सेक का भी जीरो से पाई, और कॉसेक का माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच होता है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब इसी के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं, तो क्वेश्चन में आते हैं प्रश्न नंबर, तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की चर्चा हम करें। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2.1 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें आप इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, फर्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, तो 1/2 यहाँ दिया है नेगेटिव वैल्यू है, तो सबसे पहले हम विचार करें कि साइन में ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू होती है 1/2, तो हमें पता लगेगा कि साइन में एंगल होता है पाई बाय 6 अर्थात 30 अंश, साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर नेगेटिव लेना है, और नेगेटिव के लिए साइन में जो रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, मीन्स यहाँ तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से ये हो गया पाई बाई टू और इधर हो गया माइनस पाई बाई टू, मीन्स अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव लेनी है तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में चलना होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में चलना होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंचने के लिए आपको नेगेटिव साइड चलना होगा, मीन्स जीरो से एंगल को माइनस करना होगा। तो हम ये देख चुके हैं कि 1/2 जो है वैल्यू होती है पाई बाई 6 की, तो साइन पाई बाई 6 को यहाँ पर जीरो से लेके माइनस करना होगा, मीन्स इसको लिखना है साइन इनवर्स साइन जीरो माइनस पाई बाई 6, बिकॉज साइन की वैल्यू इसमें नेगेटिव है, और साइन की नेगेटिव वैल्यू होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको जीरो से माइनस करना होगा। आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि साइन की वैल्यू थर्ड में ही नेगेटिव होती है, बट थर्ड में अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो पाई को
पार होना पड़ेगा, मीन्स 180 से ज्यादा। और यदि आप एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो माइनस पाई बाई टू से और कम हो जाएगा, और अगर माइनस पाई बाई टू से लेस वैल्यू हुई तो साइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए साइन मर्स को हम थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं ले सकते हैं। अब ये हो गया साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई सिक्स। अब माइनस पाई बाई सिक्स रेंज के अंतर्गत है, और यदि ये रेंज के अंतर्गत है तो इसका मान हो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स। तो ये आपको आंसर मिला, अर्थात इस क्वेश्चन की जो मुख्य वैल्यू है, जो मुख्य मान है, वो है माइनस पाई बाई सिक्स। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और भी आप देख सकते हैं, जैसे आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, टैन इनवर्स माइनस रूट 3। इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन में साइन मार्स माइनस 1/2 था, नेगेटिव वैल्यू लेनी थी, 1/2 वैल्यू होती है पाई बाई सिक्स की साइन में, तो पाई बाई सिक्स को हम जीरो से माइनस किए, जीरो से माइनस इसलिए किए क्योंकि फोर्थ में आना है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए जीरो से माइनस करना पड़ा, और माइनस पाई बाई सिक्स जब आया तो साइन वर्स साइन जो फार्मूला में लिखा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका यूज किया गया और वैल्यू मिली माइनस पाई बाई सिक्स। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में टेन इनवर्स माइनस रूट 3 है, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 देखा जाए, जो रेंज साइन का होता है वही रेंज टेन का भी होता है, और टेन इनवर्स माइनस रूट 3 लेना है, माइनस रूट 3। अब विचार किया जाए कि टेन में पहले तो टेन वर्स का रेंज देखना है, तो टेन वर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसका सेंस इसको भी हमें फर्स्ट और फोर्थ में लेना होगा, फर्स्ट में पॉजिटिव मान लेंगे और फोर्थ में नेगेटिव मान लेंगे। यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखें तो अपनी वैल्यू नेगेटिव है, इसका सेंस इसे लेके फोर्थ में आना होगा। पहले रूट 3 की बात करें, टैन में किस एंगल की वैल्यू रूट 3 के इक्वल होती है, तो आपको पता लगेगा कि 60 अर्थात पाई बाई 3, टैन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है रूट 3। अब इस पाई बाई 3 को लेके पहुंचना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट का सेंस जीरो से माइनस कर देना है। अगर जीरो से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा टैन इनवर्स टैन जीरो माइनस पाई बाई थ्री, और ये फिर से मिलेगा हमें टैन इनवर्स टैन टैन माइनस पाई बाई थ्री। अब टैन वर्स टैन थीटा हो गया या टैन एक्स हो गया, और एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, यानी रेंज में है, इसलिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यू मिलेगी माइनस पाई बाई थ्री। ये वैल्यू मिल रही हमें माइनस पाई बाई थ्री। ऐसे ही अन्य क्वेश्चंस भी आप देखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, ये फोर्थ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स माइनस 1/2, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब कॉस के बारे में विचार करना है, तो कॉस का जो रेंज होता है वो
जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में होता है कॉस का रेंज। इसलिए जीरो से पाई अगर आप क्वाड्रेंट अर्थात चतुर्थांश की चर्चा करें तो जीरो पाई बाय टू पाई अर्थात फर्स्ट और सेकंड की बात चल रही है। फर्स्ट और सेकंड में हमें देखना होगा, फर्स्ट में है और ये सेकंड, तो नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू कॉस सेकंड में होता है अर्थात जिस भी एंगल के बारे में आप विचार करेंगे उसको सेकंड में लेके आना है और सेकंड में आने का जो रास्ता होगा वह पाई में से माइनस करने पर मिलेगा। पाई से माइनस करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। अब कॉस इनवर्स माइनस पाई में वन बाई टू है, वन बाई टू कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसको लिखेंगे हम लोग कॉस 60 का सेंस पाई बाई 3 है लेकिन नेगेटिव है इसलिए पाई में से माइनस करना होगा और लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3, ये लिखते हैं हम पाई माइनस पाई बाई 3 और इसको साफ करेंगे तो कॉस इनवर्स। अब जब पाई में से पाई बाई 3 को आप माइनस करोगे तो आएगा 3 पाई से पाई माइनस करेंगे 2 पाई बाई 3, ये वैल्यू हो गई कॉस 2 पाई बाई 3। और जब कॉस 2 पाई बाई 3 आया तो अपने रेंज के अंतर्गत आगे आएंगे तो कॉस इनवर्स कॉस आपस में फार्मूला फॉर्म करेगा और फार्मूले के बेस पर बनेगा 2 पाई बाई 3। तो कॉस के लिए हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट 0 से पाई बाई 2 एंड सेकंड पाई बाई 2 से पाई। तो जब भी आपको कॉस में नेगेटिव वैल्यू लेनी होगी तो नेगेटिव वैल्यू के लिए आप इसको पाई में से माइनस करेंगे और पहुंचेंगे सेकंड में। ऐसे ही क्वेश्चन 10 तक है, एक्सरसाइज 2.1 में 10 तक के क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे आपको और सबको आप इन्हीं फार्मूलों के बेस पे सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर आप करते हैं, अगली क्लास अगले क्वेश्चंस के